बेगूसराय जिले में शामो पुल के डीपीआर के बाद राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के प्रति लोगों में आशा की किरण तीव्र हो गई है। वे ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए हैं जहां पार्टी के बंधन के साथ साथ जाति और धर्म का बंधन पर टूट गया है। बीते दिन आम बजट 2022 के संदर्भ में मीडिया को जवाब देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्तंभों में से एक पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बड़े सम्मानित ढंग से लिया था। शामो पुल के डीपीआर से संबंधित संशय दूर होने के बाद पूरे बेगूसराय में उत्सवी माहौल है, जिसमें क्या तेतरी, क्या तरैया, क्या बकरी, क्या मंसूर चक, हर जगह उन्हीं की चर्चा है। ऐसे में सुबह से ही उनके पैतृक आवास बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड के मनसेरपुर गांव में जाकर आशावादी क्रांतिकारी विकास के प्रति सजग युवाओं की टीम, जनाधिकार पार्टी के छात्र नेता सुमित कुमार यादव, अविनाश कुमार, बलवंत गांधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए, जिसमें प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में भवन के साथ साथ बलिया में इंडोर स्टेडियम, खेल के मैदान एवं जाम की समस्याओं पर विशेष जोर दिया गया। बताते चलें कि श्री सिन्हा ने युवाओं की टोली ने पेड़ लगवाकर खुशी का इजहार किया। जी सर, और बलिया में सर नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और उनको सर एक जगह पर रुकने का, कहीं पर खेलने का, खास करके लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मात्र एक ग्राउंड है ब्लॉक का, जो कि वो भी सेफ नहीं है खास करके लड़कियों के लिए। तो सर हम एक मांग करते हैं कि बलिया में इंडोर स्टेडियम, वो भी प्रशासनिक रूप से चलता है, जब प्रशासन का मन होता है सर जगह अवेलेबल है, लगभग 3 एकड़ जमीन सर। आपको प्रॉपर लिख के व्हाट्सएप पे भेजो, मेमोरेंडम बना दो, ये ऐसा ऐसा है, एक बार गलती से कभी नहीं देख पाए, चुनाव से बहुत आता है, तो रिमाइंड कर दो, फोन कर दो, ठीक है, करके भेज। मैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से देखते हैं क्या हो सकता है, पहले सरकार से देखते हैं और रास्ता निकालते हैं, भेजो। उसमें सर बच्चे बहुत हैं और विद्यालय बेहतर स्थिति से चलता है। इस बार वहाँ के जो एचएम मैडम है उनको डीएम सर भी सम्मानित किए थे, वहाँ पर सर प्रॉब्लम है कि जमीन अवेलेबल है लेकिन भवन एक ही रूम है बस, वो दो दिक्कत दीजिए, प्रयास करेंगे क्या होता है सर। मौखिक रूप से सर हम चुकी अगर होगा हम मेल पर सर मेल करो और व्हाट्सएप पर, ठीक है सर। बलिया में एक्चुअल प्रोजेक्ट बालिका के नाम पर एक ही स्कूल है पूरे बलिया में, और उस स्कूल में उन्होंने अपने स्तर पे जो डेमोलेटेड बिल्डिंग था उनको गिरवा के और अपने किया दिए, एक बार विजिट भी कर देते हैं आप तो बस बगल में। मैं प्रशासन से बात करूंगा इस पर कि वो बालिका विद्यालय का स्तर जितनी छात्राएं जुड़ है उसके अनुसार से उस भवन का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, स्पोर्ट्स ग्राउंड का जो की मांग है, प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया शुरू किया है, जब तक आधारभूत संरचना नहीं रहेगी तब तक बच्चे खेलो इंडिया के हिस्सा नहीं बनेंगे। तो दोनों ही बातों पर मैं गौर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों में कार्य प्रगति पर आए।